नमस्कार, मैं नीता जोहिला उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग से पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हट प्रदीपिका में द्वितीय अध्याय में वर्णित कुंभक के क्रम में जो आज का अभ्यास है वह शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। पहले आप विधि समझेंगे, तत्पश्चात आपको करके दिखाया जाएगा किस प्रकार करना है। आप जीभ को मोड़कर जीभ से श्वास को भीतर भरेंगे, वायु खींचते हुए आप अंतर कुंभक करेंगे। जालंधर बंद का अभ्यास करते हुए, मूल बंद का अभ्यास करते हुए आप श्वास को यथासंभव रोकेंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे मूल बंद छोड़ते हुए, जालंधर बंद छोड़ते हुए आप श्वास को बाहर निकालेंगे। सामान्य स्थिति में नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। यदि आप प्रारंभिक स्थिति में हैं तो असंभव ना हो सके तब इस स्थिति में आप बिना कुंभक के भी अभ्यास कर सकते हैं, परंतु हट प्रदीपिका में कुंभकों के साथ इसका वर्णन है। तो आइए अभ्यास करते हैं। जीभ को बाहर मोड़कर आप गोल आकार देंगे इस तरीके से। बिना कुंभक के भी एक बार आप अभ्यास देख लेंगे। जब आप जालंधर बंद खोलेंगे तब आपको धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर निकालनी है। बिना कुंभक का अभ्यास किस प्रकार करना है। इस प्रकार आप 5 से 10 जितना संभव हो सके अभ्यास कर सकते हैं, परंतु कुछ विशेष सावधानियां आप इसमें ध्यान में रखेंगे जिनका वर्णन हट प्रदीपिका में नहीं किया गया है। कुछ सामान्य सावधानियां, यदि आपको किसी प्रकार का कंठ रोग हो, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, या आप किसी बहुत ठंडे क्षेत्र में रहते हैं तो उस स्थिति में बहुत अधिक अभ्यास ना करें। साथ ही साथ जिन लाभों का वर्णन किया गया है, शीतली प्राणायाम, वायु गोला, तिल्ली, ज्वर, भूख, प्यास आदि के प्रभावों को दूर करने वाला अभ्यास है तथा यह विष के प्रभाव को भी कम करता है। इस प्रकार से हट प्रदीपिका में इसके लाभों का वर्णन किया गया है।